हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास ट्वेल्थ का सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें कि हम तीसरा पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। इसके पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, टोटल इसमें चार है। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर यानी फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, इसको हम शॉर्ट में FP भी कहते हैं। हिमांक इसका हिंदी होगा हिमांक। अब ये हिमांक क्या है कि किसी पदार्थ का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, यानी शॉर्ट में उसको FP बोलते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस ताप पर उस पदार्थ के ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। यानी किसी पदार्थ के ठोस एवं द्रव रूप दोनों साम्यावस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ पर किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर उस पदार्थ के ठोस एवं द्रव रूप दोनों साम्यावस्था साम्यावस्था में रहते हैं, यानी उस पदार्थ के ठोस एवं द्रव दोनों का वाष्प दाब वेपर प्रेशर समान होता है। ये जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट का है कि जिस ताप पर किसी पदार्थ के ठोस एवं द्रव दोनों साम्यावस्था में रहते हैं, यानी उस पदार्थ के ठोस एवं द्रव दोनों का वाष्प दाब जिस ताप पर समान होता है, उस ताप को उस पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होता है, और घोल यानी घोलक में जब कोई घुल्य पदार्थ ठोस घुल्य घुलाया जाता है तो घोल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और शुद्ध घोलक का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, शुद्ध घोलक का फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होता है जबकि घोल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। यानी घोल के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है, और इसी कमी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि घोल का वाष्प दाब हमेशा घोल का जो हिमांक है, घोल का हिमांक शुद्ध घोलक के हिमांक से क्या होता है, कम होता है। और उस घोल के हिमांक में जो कमी होती है उस कमी को ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यू कैन से दैट द डिफिनीशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहेंगे आप, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। शुद्ध घोलक से
घोल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि घोल का वाष्पदाब क्या होता है? कम होता है। और घोल का वाष्पदाब कम होता है, उसका टेम्परेचर भी कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पदाब कम होगा, वाष्पदाब कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घोल का कम होगा। एक बार फिर से, घोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है क्योंकि घोल का वाष्पदाब कम होता है, और घोल का वाष्पदाब कम ताप पर कम होता है, यानी कम ताप पर ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम है, जब वाष्पदाब कम है, टेम्परेचर कम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? कम है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि घोल का, यहाँ पर पहले आप बताते हैं, माना कि घोल का फ्रीजिंग पॉइंट TF एवं घोलक, शुद्ध भी लगा सकते हो यहाँ, शुद्ध घोलक का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट। तो ये जो शुद्ध घोलक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये ऑलवेज ग्रेटर देन TF इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? ये है आपका शुद्ध द्रव का, यानी शुद्ध घोलक का, यहाँ पर द्रव भी लिख सकते हो, और ये है घोल का। तो आप देख सकते हैं कि शुद्ध घोलक का जो वाष्प फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या है ये? फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है? अधिक होता है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट, घोल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और घोलक का या शुद्ध द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होता है। अब यहाँ पर दोनों के अंतर को डेल्टा TF क्या करोगे? TF नॉट माइनस TF। ये देखिए, ये जो डेल्टा TF है ये दोनों का क्या है? अंतर है। और इस यही अंतर तो क्या कहलाता है? यही अंतर है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। यहाँ पर डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF इक्वल टू क्या बोलोगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन। किसके हिमांक में? घोल के हिमांक में। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि घोलक का यानी शुद्ध द्रव का वाष्प फ्रीजिंग पॉइंट अधिक और घोल का वाष्पदाब कम। कितना कम? डेल्टा TF। यही तो हिमांक में अवनमन है, यानी घोल के हिमांक में कितनी कमी हो रही है? डेल्टा TF। कितनी कमी हो रही है? डेल्टा TF। अब यहाँ पर एक आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफ के जरिए, हम इसको समझा रहे हैं आपको। जैसे ये आपका ये रहा टेम्परेचर, इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये है तुम्हारा वाष्पदाब, वेपर प्रेशर। इधर जाने पर ये क्या हो रहा है? वाष्पदाब बढ़ रहा है, और ये इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो, ये जो है यहाँ से आपका ये है ए और बी, और ये है डी और ई, ये जो है आपका, और ये वाला, ये है आपका द्रव घोलक और ये है घोल। आप देख रहे हो कि ये जो वेपर प्रेशर है घोल का क्या है? कम है। तो टेम्परेचर भी घोल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी बता रहे हैं आपको। और ये जो ये यहाँ से बी और ई, और ये जो है आपका यहाँ से ये सी, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको समझा रहे हैं हम, ये ई पॉइंट है। देखिए, ये जो इस ग्राफ को जरा ध्यान से समझना, हम वेपर प्रेशर, यहाँ पर
यहां पर ये टी एफ नॉट इज ग्रेटर देन टी एफ है, ठीक है। टी एफ नॉट, ये टी एफ नॉट किसका है, शुद्ध घोलक का, और टी एफ किसका है, घोल का फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि टी एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी एफ, यहां पर शुद्ध घोलक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है घोल के फ्रीजिंग पॉइंट से अधिक होता है। अब यहां पर देखो, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर, यहां पर ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर, इस कर्व को देखो, ए बी कर्व को देखो, ए बी और डी ई, ये द्रव घोलक का है, तो इसका वाष्प दाब, ये घोलक का है, वाष्प दाब यहां पर आ रहा है, और इसको हम मान लेते हैं इस बिंदु को टी एफ नॉट, और यहां पर ये टेम्परेचर है। अब देखो, ये जो तुम्हारा है, ये आपका, ये इसको मानोगे टी एफ, क्यों, क्योंकि ये घोल का है, घोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ, ये कम होता है, और टी एफ नॉट जो घोलक का है, शुद्ध घोलक का, द्रव घोलक का टी एफ नॉट, ये अधिक है, और दोनों के अंतर को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये जो बी बिंदु है, द्रव घोलक है ए से बी, और ये घोल का बिंदु है, कर्भ है डी से ई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो ए और बी का जो ये जो ग्राफ है, ए से बी के बीच में जो घोलक है वो द्रव रूप में है, जैसे ही बी बिंदु पर आता है द्रव घोलक, तो ये यहां से ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से ये ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, ये आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहां पर आपको गौर फरमाना है कि ये जो ए बी कर्व है, ये बी बिंदु से क्या होने लगता है, बी बिंदु से ठोस होने लगता है, क्यों, क्योंकि वाष्प दाब घटने लगता है, और वाष्प दाब किसका घटता है, ठोस का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, ये जो बी और सी कर्व है, इस ई को हम यहां देते हैं, बी और सी जो कर्व है, ये कर्व ठोस, जमा हुआ, और यहां पर ठोस जमा हुआ घोलक, ठोस ब्रैकेट में फ्रोजन लिख देते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा फ्रोजन, और ये घोलक। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा कर्व है कौन, बी सी, ये बी सी कर्व क्या है, ये घोलक है, जैसे ही बी बिंदु से नीचे आया तो ये द्रव ठोस में बदलने लगा। अब यहां देखो, ये घोल का कर्व है डी और ई, डी घोल है, नीचे वाला डी वाष्प दाब क्या है, कम है, और डी जो है इस ई बिंदु पर है, ई पहले पड़ता है, तो टेम्परेचर इसका क्या है, ये घोल का है, याद रखना, ये तुम्हारा घोल का है और ये घोलक का है। तो बी बिंदु पर, बी बिंदु से ये जो द्रव घोलक का कर्व है, बी बिंदु से कहां पर, ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसका वाष्प दाब यहां से घटने लगता है, क्योंकि ठोस का वाष्प दाब कम होता है। लेकिन ये जो घोल है, घोल का कर्व डी ई है, ये ई बिंदु से जैसे ही ई बिंदु पर आता है और ये बी सी कर्व में मिलता है, तो ये ई बिंदु से घोल क्या होता है, ई बिंदु पर, यहां पर ध्यान देना है, दो बिंदु है बी और ई, बी बिंदु पर द्रव घोलक ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, और ई बिंदु पर ये जो घोल है, ये घोल ई बिंदु से ठोस में बदलना शुरू हो जाता है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, घोल का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज द टीएफ इज लेस देन, क्या है, लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट,
यहाँ पर तुम देख रहे हो। अब यहाँ पर इसके अंतर को डिफरेंस बिटवीन टीएफ नॉट एंड टीएफ, टीएफ नॉट क्यों, क्योंकि टीएफ का मान टेम्परेचर इधर जाने पर बढ़ रहा है, तो ये टीएफ नॉट बड़ा हुआ और टीएफ फिगर से बिल्कुल क्लियर है कि टीएफ नॉट अधिक है, टीएफ नॉट यानी टेम्परेचर अधिक है और टीएफ का मान कम है, इसलिए डेल्टा टीएफ बराबर हमने क्या लिखा है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट, व्हाट इज टीएफ नॉट, टीएफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड टीएफ, टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द कर्व डी एंड ई। ये जो कर्व है डी ई, ये किस बिंदु पर ठोस बदल रहा है, ई बिंदु पर, और ए बी कर्व का जो द्रव घोलक है वो किस बिंदु पर ठोस बदल रहा है, कहाँ पर, बी बिंदु पर। तो तुम देख रहे हो बी और ई, बी यहाँ मिलान है और ई का यहाँ मिलान है। वेपर प्रेशर भी मिला सकते हो कि घोल द्रव घोलक का वाष्पदाब अधिक और घोल का वाष्पदाब, ये लेबल है, तो घोल का वाष्पदाब कम होता है क्योंकि घोल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और द्रव घोलक का वाष्पदाब अधिक होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए द्रव घोलक का फ्रीजिंग पॉइंट भी अधिक होता है। तो पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। जो डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये जो डेल्टा टीएफ है, ये डेल्टा टीएफ क्या है, यही तो हिमांक में जो डेल्टा टीएफ है क्या है, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन यानी कमी। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा टीएफ है वो किस पर निर्भर करता है, घोल के हिमांक में, घोल के हिमांक में जो अवनमन होता है डेल्टा टीएफ होता है वो किस पर निर्भर करता है, घोल में घुले हुए घुलने की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ से शॉर्ट में लिख सकते हो डेल्टा टीएफ घोल में घुले हुए घुलने की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी डेल्टा टीएफ घोल की मोलालिटी का सीधा समानुपाती होता है, यानी आप कह सकते हैं डेट इज डेल्टा टीएफ समानुपाती एम, या डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणा में एम। केएफ क्या है, जहां केएफ एक स्थिरांक है जिसे मोलल डिप्रेशन या मोलल अवनमन स्थिरांक, इंग्लिश में मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या कहा जाता है। अब यहां पर आप देखिए, ये तो हो गया अवनमन स्थिरांक डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती है, एम। एम क्या है, एम जो है मोलालिटी, घोल प्रति किलोग्राम घोलक में घुले हुए घुल्ले के मोल की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलालता, मोलालिटी। अब ये कहता है कि डेल्टा टीएफ कितना होगा, हिमांक में अवनमन, घोल के हिमांक में अवनमन कितना होगा, डेल्टा टीएफ कितना होगा, तो घोल की मोलालता के समानुपाती होगा, यानी डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम।
So you can write delta Tf equal to Kf multiply m, where Kf क्या है, यह एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं, which is called molar depression constant और cryoscopic constant कहा जाता है। अब आइए यहाँ पर, if यदि मोललता बराबर एक हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Tf बराबर क्या लिखोगे, Kf। ये देखिए, ये एक, ये क्या है, m बराबर वन, यदि घोल मोलल डिप्रेशन डेल्टा Tf बराबर Kf। ये Kf क्या है, Kf क्या है, अभी आपने देखा मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब Kf का यहां से एक परिभाषा तुमको मिल गया कि किसी, ये जो है आपको, आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी घोल की मोललता इकाई हो तो उस घोल के हिमांक में अवनमन को ही क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। यहां पर इसका हम परिभाषा यहां लिख दे रहे हैं कि यदि घोल की मोललता, घोल की मोललता m, देख रहे हो ना, m इकाई हो, यदि घोल की मोललता इकाई हो तो घोल के हिमांक में अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। इसका मतलब इकाई हो का मतलब क्या होता है, यानी एक हजार ग्राम या एक किलोग्राम घोलक में घुल के यदि एक मोल घुले हों तो, एक मोल घुले हों तो घोल के हिमांक में अवनमन डेल्टा Tf को Kf यानी मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। अब यहां से तुम एक यूनिट पढ़ सकते हो, यूनिट ऑफ Kf मार्कर, यूनिट ऑफ Kf तुम यहां से देख सकते हो कि चूंकि डेल्टा Tf इक्वल टू कितना है जी, Kf गुणा में m, इसलिए Kf बराबर डेल्टा Tf बटा में m। अब ये जो डेल्टा Tf है तुम्हारा, ये क्या है, ये है टेम्परेचर और ये क्या है, मोललिटी। तब यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर यानी डिग्री और नीचे क्या है, मोललिटी। तो हम यहाँ से डिग्री को केल्विन में भी, केल्विन बटा में मोललता, या डिग्री सेल्सियस बाई मोललता, या यहाँ पर तुम मोललता को, जैसे हम मोललता बराबर क्या होता है, एम मोललिटी बराबर मोल केजी इनवर्स, और ऊपर में क्या है, केल्विन। अब आइए यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो ये केल्विन केजी मोल इनवर्स। ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ Kf, Kf यानी क्या, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने इसको तोड़ दिया, तो ये रहा आपका क्या, यूनिट ऑफ
के एफ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास का हो जाएगा। निक बता देते हैं, घुल्ल घोल में घुले हुए, घुल्ल के मोलर मास, अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान की गणना क्या होगा। अभी आपने देखा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा में एम, ये डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा एम। एम क्या है? एम है आपका मोललता यानी मोललिटी। क्या होता है? घुल्ल के मोल की संख्या बटा में घोलक का भार केजी में। अब यहां पर घुल मोल की संख्या एन, एन बराबर हम क्या लिखते हैं? डब्लू बटा में एम, एन बराबर डब्लू बटा में एम। घुल के मोल की संख्या निकालनी है तो यहां पर माना कि घुल का ग्राम में भार W2, घुल्ल का मोलर द्रव्यमान M2, घोलक का ग्राम में भार W1 ग्राम। ठीक है, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर तुम देखो M बराबर, एम बराबर क्या हो जाएगा? मोल, ऊपर मोल नीचे केजी, ऊपर मोल नीचे केजी। तो यहां पर हम ऊपर में क्या लिख सकते हैं? घुल्ल के मोल की संख्या है, घुल्ल के मोल की संख्या यानी एन टू। एन टू क्या माने हैं? एन टू क्या है? एन टू होगा घुल्ल के मोल की संख्या। तो हम यहां पर सीधा डायरेक्ट हम लिख देते हैं एम बराबर एम टू, सॉरी डब्लू टू बटा में W2 बटा में M2। अब देखो घोलक का भार कितना माने हैं? W1, ये तो ग्राम में है, ये ग्राम में है। अगर हम इसको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा? W2 गुणा में 1000, ये नीचे आया और ये भी नीचे आया, तो ये M बराबर हो गया। अब तुम इसको ले जाकर इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? केफ गुणा में डब्लू टू, और एक बाचा एक मिनट, ये 1000 बटा में एम टू गुणा में डब्लू वन। अब ये देखो ये 1000 क्या है? 1000 यहाँ पर 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 केजी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम केजी इनवर्स, ये ध्यान रखना। अब हमें घुल्ले का जो मोलर द्रव्यमान है डेल्टा टी एफ निकालना है तो इस सूत्र से, और हमें क्या निकालना है? घुल्ले के मोलर द्रव्यमान, मोलर मास की गणना। तो अगर एम टू निकालना होगा, एम टू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? एम टू बराबर के एफ गुणा में क्या हो जाएगा? W2 गुणा में 1000 ग्राम केजी इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका M2 चला गया इधर, तो इधर आ गया डेल्टा TF गुणा में क्या? W1। अब देखो यदि तुम्हारा केफ का मान, ये 1000 का यूज कब करेंगे? जब केफ का मान प्रति 1000 ग्राम घोलक पर दिया गया हो, ये तो हम तब यूज करेंगे, ठीक है, जब के एफ का मान प्रति केजी घोलक दिया गया हो। ये देखिए, यदि के एफ का मान प्रति 100 ग्राम घोलक
प्रति 100 ग्राम घोलक दिया गया हो तो क्या लिखेंगे? M2 बराबर KF गुणा में W2, और ये क्या लिखेंगे? 100, और डेल्टा TF गुणा में W1। अब तुम यहाँ पर एक चीज देखो कि डेल्टा TF इस फ्रीजिंग पॉइंट में भी डेल्टा TF बराबर KF गुणा में M आ रहा है कि नहीं। ये M क्या बतला रहा है? मोलालता। मोलालता यानी प्रति किलोग्राम घोलक में घुल्ले के मोल की संख्या यानी घुल्ले की मात्रा को। यानी यहाँ पर भी इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी घुल्य, ये जो आपका डेल्टा TF है यानी हिमांक में जो अवनमन है डेल्टा TF, ये किस पर निर्भर करता है? घुल्य की मात्रा पर, घुल्य के मोल की संख्या पर, घुल्य के कण की संख्या पर निर्भर करता है, न कि घुल्य के प्रकृति पर निर्भर करता है। सो यू कैन से इजिली डैट दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज वेल एज लाइक elevation in boiling point. So all these first three colligative properties depend on the quantity of molality of molal number of moles, number of particles of solute, and they do not depend on the nature of the solute. So we can say that all the three colligative properties, that is lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, and depression in freezing point depend on the number of moles of solute dissolved in solution, but they do not depend on the nature of the solute. So depression or in freezing point is also called colligative properties. तो ये रहा students आपका, ये आज का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पहले हम बताए भी हैं आपको कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी किस पर डिपेंड करता था? घुल्ले के मोल की संख्या पर। दूसरा था इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कवथनांक में उन्नयन, वो भी डिपेंड करता था किस पर? वो भी घुल्ले के मोल की संख्या पर, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। एंड दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सो वी कैन से द ऑल दिस थ्री आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये रहा हमारा आज का सॉल्यूशन पार्ट 11, जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा पॉइंट पढ़ा। इसमें एक और बाकी है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलता रहे और इसका नोट्स बनाते हुए चलते, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए।